अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी से निमरा शेख और मेरे चैनल जिंदगी जियो निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं अगली वीडियो किसी न किसी चैलेंज पे करूंगी या फिर मैं कोई ना कोई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तो मैंने काफ़ी दिनों से ये सोचा हुआ था कि जो टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। वो क्या है, वो ये है कि मैं अगले 24 आवर्स के लिए एक चैलेंज करने लगी हूँ। बहुत मज़े का इसलिए क्योंकि उसमें मैं खाऊंगी 24 घंटे के लिए जंक फूड, जो कि मैं हर वक्त वैसे खाती हूँ, लेकिन ये वाला जो है ना स्पेशल व्लॉग है। इसमें ये होगा कि अगले 24 घंटे के लिए मैं टका के खाऊंगी ऑयली चीज़ें, जंक फूड, और देखते हैं कि मैं क्या क्या खाती हूँ। अभी फर्स्ट ऑर्डर मैंने अपना कर लिया है, रात के 10 बजे ऑर्डर भी आने वाला है। देखते हैं कि ऑर्डर में मैंने क्या क्या मंगाया है। सो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरी इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। और चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं क्या क्या मैं कवर कर पाती हूँ आज की वीडियो में और क्या क्या खाती हूँ मज़े का जंक फूड। और इस व्लॉग को आपने एंड तक लाजमी देखना है, रहे मेरे साथ जी। तो मैं YouTube फैमिली, दो दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो मैं इतनी बोर हो गई कि मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। सो लगे रहते हैं। बाकी है कि जब भी कैमरा खोलो ना, हालांकि मुझे तीन साढ़े तीन साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जब भी कैमरा ऑन करो तो पता नहीं क्यों दिल की धड़कन जल्दी जल्दी तेज तेज धड़कना शुरू हो जाती है, और पता नहीं क्या चीज टेंशन सी होनी शुरू हो जाती है, ये एंगजाइटी। अच्छा क्या गाइज, ऑर्डर मैंने कर दिया, 45 मिनट्स का टाइम था, अभी आधा घंटा मुझे लगता हुआ है और 15 मिनट रह गए हैं। ऑर्डर मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ऑर्डर किया है पास्ता और एक अदद जिंगर, तो पता नहीं मैं सारा ऑर्डर एक साथ खा पाती हूँ या नहीं, या वक्फे वक्फे से खाती हूँ। खैर उसके अलावा भी मेरे माइंड में चीज़ें तो हैं, बाकी अब देखते हैं कि कैसा रहता है आज का भी लोग। अभी मैं जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, मुँह शुद्ध होने जा रही हूँ, हाथ धोने जा रही हूँ, ताकि ऑर्डर आने से पहले मैं फ्रेश होकर बैठ जाऊँ और फिर मैं अभी खाऊँ और आपको भी बताऊँ कि कैसा रहता है फूड मेरा। बाकी रहे मेरे साथ जी। तो भाई YouTube फैमिली, ऑर्डर मेरा आ चुका है, मैं दिखाती हूँ क्या क्या आया है। मैंने ऑर्डर किया था एक जिंगर, जैसे कि मैंने आपको पता नहीं बताया पहले या नहीं, शायद बता दिया, ये जिंगर है और ये पास्ता है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत गर्म गर्म है ये। ओहो मेरा हाथ आ गया है। तो ये रहा जिंगर, पहले मैं पास्ता खा लेती हूँ, और ये रहा पास्ता, यमी। गर्मी बहुत है इसलिए मैंने पंखा चला लिया है, सॉरी माजत अगर आपको शोर आ रहा होगा पंखे का। तो अब हम ये खाते हैं। बहुत गर्मी है, केचप डालेंगे इसमें। अच्छा ये स्पून साथ देते तो हैं ये वाला, बट ये इतना वो नहीं होता, टूट जाता। गाइस ये पास्ता मेरा बहुत फेवरेट है और यम भी बहुत है, मज़े का बहुत बना होता तो यम। चले मैं ये खा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। एक बाइट का मैंने सारे ही चीज़ें जो है ना ट्राई की हुई हैं, पिज़्ज़ा भी खाया हुआ, बर्गर भी खाया हुआ, लेकिन जो इनका पास्ता है ना मैं कहती हूँ एंड है, और इतना लोडेड गाइस कि बहुत जल्दी पेट भर जाता है, क्योंकि मैंने खाया हुआ है पास्ता, घर में भी बना खाया है, और वैसे मैंने खाया है हुसैन चौक लिबर्टी के आगे है हुसैन चौक, वहाँ पे मैंने खाया था और वो इतना महंगा था, बल्कि मेरी जो फ्रेंड ने मंगवाया था उसने वापस किया था क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा था। तो जो ये पास्ता है काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, इतना मज़े का, इतना लोडेड जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा ये जो आइडिया मुझे आया ना, ये मैंने इंस्पायर होकर बना रही हूँ। मैंने शाहवीर जाफरी, जो आप सब जानते होंगे, एक यूट्यूबर है, उसकी वीडियो देखी थी, तो मैंने तब से ही सोचा हुआ था कि अच्छा मैं भी ये व्लॉग बनाऊंगी, मैं ये कर सकती हूँ ये वाला आइडिया। तो ये है कि बंदा जो है ना, इंसान किसी ना किसी को कॉपी कर रहा है हर कोई, चाहे वो कोई एक्ट्रेसेस हों या कोई इन्फ्लुएंसर हों या यूट्यूबर हों। तो बाकी ये है कि अब ये मैं खा रही हूँ, मेरा पेट फुल हो चुका है। जिंगर भी मैंने मंगा लिया क्योंकि अब मैंने इसलिए मंगाया, वैसे मैंने खाली पास्ता मंगाना था, क्योंकि जिंगर इसलिए मंगाया क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने खाना है जंक फूड हर हाल में। सो अभी मैं ये खा के जा रही हूँ ऊपर जा रही हूँ इसलिए वॉक करने के लिए, आधा घंटा इंशाल्लाह मैं वॉक करूँगी, और वजू वगैरह मैंने कर लिया, इशा भी ऊपर ही पढ़ लूँगी। तो आधा घर जो है ना मेरा ऊपर है, यानी कि छत है मेरा घर, अल्लाह के पास हो जाता है बंदा ज़्यादा। बाकी चलते हैं ऊपर ये खा के, और बातें तो साथ होती रहेंगी साथ साथ। ऐसा पास्ता खाया कि मेरा यहाँ तक पेट जो है फुल हुआ है, रात का 1 बज रहा है। मैंने जूस मंगाया है भाई से, ये देख सकते हैं आप,
वैसे मैंने छोटा पी रहा था, लेकिन आज जंक फूड खाने, तो आज मैं ये वाला जो है ना लेकिन मैं पीने लगी हूँ भी आपके सामने। तो ये मेरी सेकेंड, अभी बर्गर मेरा पड़ा हुआ है वो नहीं मैंने खाया, मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊँगी, तो मुझे प्यास बहुत लग रही है, तो अभी ये जूस पीते हैं। वैसे इसमें मुझे बहुत वहम आ रहा है, वो जो एक वीडियो आपने देखी हुई है, वो जूस काट के उसमें से क्या निकलता है, गंसा मैल सी मैला सा जूस होता है, बस अल्लाह ना करे ऐसा हो। चलो पीते हैं इसको, बिस्मिल्लाह रखो। ऐसा पीती रहूंगी, बाकी रहे मेरे साथ। मजा आ रहा ना इस चैलेंज का, है कि बर्गर जाएगा जाया, तो इसलिए मैं इस फकीर ये फकीर मंगता है, इसको आज छुट्टी है, कोई बात नहीं, क्या याद करेगा मेरा 400 रुपए का बर्गर है, लेकिन शेव हाफ खाना, क्या पता मुझे भूख लग जाए, मैं खा ही लूं। हाफ हाफ खा लो, नहीं वैसे खा लो, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा खाने को, तो फिर मैं चैलेंज कैसे कम्प्लीट करूंगी। ये देखेंगे इतना मेरा प्यारा जिंगर ये खा गया बदतमीज कहीं का। तुम अपनी चीज तो कभी देते नहीं हो, तू देती है। ला दो मुझे मेरा बर्गर। चल ठीक है, क्यों लूं? आइंदा नहीं मैं ऐसे फजूल खर्ची करने वाली, मैं आइंदा से थोड़ी चीज ही मंगाऊंगी गाइस, बहुत गलत बात है, ये खा भी लेना, जाया ना करना चैलेंज गाइस, देखते हैं फिर सुबह तक क्या चलता है, अभी तो मेरा पेट फुल है पास्ता खा गई। तुमने पढ़ लिया नाथ, कितने पैसे मिले हैं? अबू ने दिए कुछ। जी तो मैं YouTube फैमिली, यहाँ पे मामा बना रही थी मिल्क शेक अपने प्यारे प्यारे हाथों से, साफ सुथरे हाथों से, और मम्मा इतना परफेक्ट मिल्क शेक बनाती है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतना परफेक्ट मीठा होता है कि बस, और इतना गाढ़ा गाढ़ा होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर भी मैंने ये पी लिया था एक ग्लास, और इसके बाद जो है वैसे मेरी तमन्ना कुछ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने चैलेंज को पूरा करने के लिए मिल्क शेक पीने के बाद एक और आइटम खाई थी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, आगे चल के आपको देखने को मिलेगी। और उफ खुदाया, ये मेरे कितने डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। खैर ये ना लाइटिंग ठीक नहीं है, एक लाइट ऑन है इस वजह से लग रहे हैं, बस इतने नहीं हैं। तो बाकी है कि कैसे लगे आपको व्लॉग, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और बस सब्सक्राइब कर दियो। मील्स मैंने क्या खाने थे वो पास्ते नहीं, मेरा इतना ज़्यादा दिल भर दिया कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन खैर फिर भी मैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, अभी सुबह का सुबह के छः बज रहे हैं, और मैं लेके आई हूँ अपने साथ नमकीन गोश्त। ये अभी हम इस पर नींबू का छिड़काव करेंगे, और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना कि अभी अनहेल्दी फूड है या नहीं, मुझे तो लगता है क्योंकि गोश्त में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, और ये भी जंक और अनहेल्दी खानों में होता है इस्तेमाल ज़्यादा इसका खाना। तो अभी मैं इस पर निचोड़ती हूँ लीमू, मौसम इतना प्यारा सीन हो रहा है आज ना, धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। हाँ सुबह 6 बजे का टाइम है, चलो खाते हैं, मैंने ये खाना नहीं था इस टाइम क्योंकि मैंने मिल्क शेक भी पिया तो ना, बट मैं खा रही हूँ इस चैलेंज की वजह से कि अब कुछ तो हो ना दिखाने के लिए, चैलेंज को करने के लिए। तो अभी मैं हाथ धो के आई हूँ, और अब मैं इसको, शिट मेरी क्या अचक नीचे रह गई है यार, मैं दोबारा नीचे नहीं जा सकती, क्या हम सुबह तो नीचे यानी सेकंड फ्लोर पर पड़ी है इस चीज़ पर, मुझे ऊपर ना भूल गया। खैर अब इसको हम खाते हैं केचप के बगैर। जी तो मैं YouTube फैमिली खा लिया मैंने नमकीन गोश्त भी, बहुत मज़े का था, और अब यह है कि यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस तरह का चैलेंज करने से ना मतलब बंदा एक्टिव भी हो जाता है, और लोग बोर भी नहीं होते मुझे ऐसा लगता है, उन वो इंजॉय करते हैं व्लॉग देखते हुए। बाकी यह है कि सादा व्लॉग भी आते रहेंगे, चैलेंजेस भी आते रहेंगे, और प्रैंक्स नहीं मैं करती यार, मेरा दिल नहीं मानता प्रैंक्स करने के लिए, प्रैंक करने के लिए बोलना पड़ता है झूठ, चाहे सच में बोलो चाहे झूठ में बोलो, झूठ तो झूठ होता है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वबाल आता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो पूरी कोशिश करनी है कि ज़िंदगी में कभी भी मजाक से भी झूठ ना बोलें, हाँ अगर ज़रूरतन कभी बोलना पड़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ से परहेज़ करें। खैर यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और हाँ मैं अभी सो जाऊँगी नीचे जाके थोड़ी वॉक करने के बाद, रात को भी मैंने 20 मिनट वॉक की थी, अभी मैं थोड़ी देर चहलकदमी करके चली जाऊंगी नीचे, और फिर मैंने उठना है 5 बजे, फिर साथ ही मैंने
तो 6 बजे तक नाश्ता करना है और फिर उसके बाद मुझे 10-12 बजे तक भूख नहीं लगनी, तो हो गया दिन कंप्लीट। और 24 आवर्स के लिए मैंने जो खाना था जंक फूड वो भी चैलेंज हो गया कंप्लीट। दुआ में रखिएगा याद, आप सब लोग भी मेरी दुआ में याद हैं। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।